नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज छात्रों के लिए जो आज की जरूरी व इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आई उसके बारे में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आप सभी को मालूम है कि सभी यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सी बड़ी अपडेट है। ये मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में तीन बड़ी अपडेट हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, तो हो सकता है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट अपडेट हो, तो ध्यान से समझिएगा। आप सभी को मालूम है कि इस समय जो है वो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, लिखा कि जो BA BSc BCom यानी UG के जो BA BSc BCom के जो छात्र हैं उनमें यहाँ पर लिखा कि अब तक 2.32 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। अब रविवार को भी खुले रहेंगे कॉलेज, छात्रों के दस्तावेजों का होगा सत्यापन। हम आपको बता दें कि समय परीक्षाएं होने के बाद अंतिम वर्ष के लगभग हो चुकी हैं, तो अब प्रवेश परीक्षा की जो बारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। प्रवेश परीक्षा हो रही है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, और रजिस्ट्रेशन और प्रवेश हो रहे हैं इस समय, ठीक है, एडमिशन हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया उसके बारे में सोच रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करके आप लोग अपनी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करें, या फिर आप अपना एडमिशन करा ले जाके, ठीक है। और यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है कि प्रदेश में कॉलेजों में चल रही प्रवेश परीक्षा प्रक्रियाएँ रविवार को हालांकि बंद रहता, लेकिन रविवार को भी खोला जाएगा, ये सरकारी आदेश आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर लिखा वर्तमान में स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। और ख़ासकर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो छात्र एडमिशन लेने वाले हैं तो वहाँ पर फास्ट करिए, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी एडमिशन हो जा रहे हैं, हो सकता है सीट भी खो चुकी हो, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं अगली अपडेट की। जो अगली अपडेट है मैं आपको बता दूँ, लिखा है कि परीक्षा नहीं तो फीस नहीं, छात्र इंकलाब में शामिल होने के लिए सभी साथी आज प्रातः 10 बजे राजकीय डूंगर महाविद्यालय में पहुँचे छात्र इंकलाब। हम आपको बता दें कि बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे हैं, वो छात्र कह रहे हैं कि अगर हमारी परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो हम फीस किस बात की दें। तो ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है, छात्र नेता इसका विरोध कर रहे हैं लगातार कि परीक्षा नहीं हुई है तो वो छात्र किसी भी हाल में फीस ना दें। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो फोर्स कर रहे हैं, तो जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के आप कह सकते हैं जो छात्र नेता हैं वो इसके लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में छात्र नेता, तो उसका सपोर्ट करिए और आप लोगों की हो सकता है फीस माफ़ हो जाए, ठीक है। तो ये बात भी जायज़ है कि फीस नहीं लेनी चाहिए छात्रों से अगर उन्होंने परीक्षाएँ नहीं दी हैं तो, ठीक है। अगली बड़ी अपडेट देख लेते हैं कौन सी है। ये सबसे बड़ी अपडेट है जो कि हम आपको बता दें, गोविंद सिंह, ठीक है, डट्टासरा ने ये गहलोत जी की ओर से जारी की गई, इसमें लिखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र हित में आज बड़ा फैसला लिया है, लेते हुए कहा कि 1 सितंबर 2021 से स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। फिलहाल कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शिक्षा विभाग इस संबंध में एक विस्तृत गाइडलाइन जल्द जारी करेगा। हम आपको बता दें कि इसमें इन्होंने फाइनली, जो कि मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, आप सभी को मालूम है कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं, तो उन्होंने कहा है कि 1 सितंबर से सभी स्कूल और कॉलेज और कोचिंग ओपन होंगी, ठीक है, खोलने का निर्णय लिया, और स्कूल जो है 9वीं से 12वीं में 50% के साथ छात्र आएंगे। तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई, अब कॉलेज और स्कूल ओपन होने लगे हैं। तो आई होप जल्द ही अन्य राज्य और अन्य प्रदेशों में इसी तरह की जो स्कूल और कॉलेज बंद हैं अभी तक, वो जल्द से जल्द ओपन हो जाए, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की अपडेट अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव, तो अगर कुछ जानना तो कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो 1 सितंबर से आप सभी के कॉलेज और स्कूल ओपन हो रहे हैं राजस्थान में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।